तो देखती आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचो। और आज की क्लास हमारी पार्ट 9 है फोटोशॉप की। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ हमारे आई ड्रॉपर और ये जो टूल्स आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है, आप आई ड्रॉपर पर क्लिक करते हैं। अगर इस पर आप राइट क्लिक करें तो एक तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, और जब पहले टूल पर क्लिक करेंगे तो ये कहलाता है हमारा आई ड्रॉपर टूल, जिसकी शॉर्टकट की है आई। फिलहाल आपने आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करा। आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कलर आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, जो ब्लैक कलर है ठीक है इस वक्त वो सिलेक्ट है, क्योंकि वो टॉप पे, और वो कहलाता है हमारा फोरग्राउंड, और जो पीछे है वो हमारा कहलाता है बैकग्राउंड। अगर आपने आई ड्रॉपर टूल लेके किसी एक कलर पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कलर आ जाएगा, और आप इस पर सिंगल क्लिक करके लेफ्ट यहाँ से उसका कलर आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा कलर है। ठीक है, किसी कलर पे भी आप क्लिक करके, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ फोरग्राउंड कलर पे ऐड होता चला जाएगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि शाहरुख भाई कि यहाँ से तुम नीला कलर ऐड कर लेते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड में भी कोई कलर ऐड करना है तो भाई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, ऑल्टर दबा के रखना है, और ऑल्टर दबा के अगर आप इस ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी कलर ऐड हो चुका है। क्या बात है जी, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो जनाब ये तो था हमारा आई ड्रॉपर टूल, जिसका काम है सिर्फ कलर सेलेक्ट करना। उसके बाद है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 3D वर्क यूज होता है। फिलहाल हम आते हैं कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल क्या होता है भाई, किसी ने मुझे बोला कि इसका कलर क्या है, ये कलर कौन सा आ रहा है रेड कलर का, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर नंबर वन आ गया कि आप देख सकते हैं नंबर वन, और यहाँ पर एक पैनल खुल जाएगा इन्फो का जिस पे लिखा हुआ है RGB, और इसका कलर आ रहा है कि आर रेड कलर इसका 125, और ग्रीन इसका 19 है, और ब्लू इसका 31 है। ठीक है, और एक क्लिक मैं कर देता हूँ इस येलो पे, तो आप देख सकते हैं एक कलर और ऐड हो जाएगा। मतलब आप मुख्तलिफ सैंपल्स ले सकते हैं किसी भी कलर के। यहाँ से आपने कोई कलर उठा लिया तो यहाँ पर इसका कलर शो हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करा तो उसका यहाँ कलर शो हो जाएगा, येलो आ रहा है तो आप देख सकते हैं 232177 1। तो आप अगर ये कलर डालेंगे तो देखें कलर आता है कि नहीं आता। तो रेड में आपने कलर डाला 232177, और आपने करा यहाँ पे ब्लू में 1, और आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि सेम कलर यहाँ पे येलो आ चुका है। तो ये है सैम्पल टूल का काम, कि जगह जगह से वो सैम्पल उठाता है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, और इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करें ठीक है, और क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो हमारा आता है रूलर टूल। रूलर टूल क्या करता है, देखें मैं चाहता हूँ कि इस अनार से और इस अनार तक का फासला अगर मैं यहाँ क्लिक करके रखता हूँ, और सॉरी वो टूल सेलेक्ट हुआ है, तो मैंने फिलहाल रूलर टूल लिया और इसको मैं डिलीट फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो रूलर टूल लेने के बाद मैं एक क्लिक यहाँ पर करूँगा, क्लिक दबा के रखूँगा और यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, और अगर मैं साथ में शिफ्ट बटन दबाऊँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का फासला इसका कितना आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है 767 767 इन पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, पिक्सल में आ रहा है। अगर आप राइट क्लिक करके इसको इंचेस कर देंगे तो यहाँ पे इंचेस में दिखाएगा कि 2 इंच 557 है, और अगर आप इसको मिलीमीटर में कर देंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर्स में कर देंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में शो हो जाएगा। फिलहाल हम इसको इंचेस में रखते हैं, तो इंचेस में यहाँ पे इसका साइज़ बताया था कि इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले अनार तक इसका डिस्टेंस इतना है, तो ये डिस्टेंस नापने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी, हमने इसको कर दिया क्लियर। अच्छा, और इसके अंदर काफ़ी टूल होंगे जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बिगिनिंग, तो एडवांस लेके जाऊंगा, तो पहले बिगिनिंग करा रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ एक आध चीज़ रह जाए तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। अब हम आते हैं नोट टूल के अंदर। नोट टूल क्या करते हैं, नोट टूल पर क्लिक करा आपने और यह हमारे पास एक कागज़ टाइप की चीज़ आ गई। आपने इसको अनार पर या लेमन पर रख के क्लिक करा और देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल और कागज़ बना हो गया, और साथ में यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है, इसका नाम है नोट्स, और यहाँ पर आपने लिखा कि भाई चेंज द कलर। ये नोट्स का मतलब ये होता है, स्पेलिंग गलत हो गई, CHANGE, चेंज द कलर, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को बता रहे हैं या किसी दोस्त को ये इमेज दे रहे हैं, और इस पर आपने लिख के रखा है कि मैं इसका या तो कलर चेंज करूंगा या आप इसका कलर चेंज कर दो। तो जब भी कोई इसको देखेगा, फ़र्ज़ करें मैं इसको बंद करता हूँ और ये फाइल फ़र्ज़ करें किसी के पास जाके, तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ आ रहा होगा इस तरह, तो कोई बंदा अगर इस पर डबल क्लिक करेगा, या अगर उस पर आके अगर कोई बंदा इस पर डबल क्लिक करेगा या फिर अगर इस पर आके डबल क्लिक करेगा तो इस तरह का नोट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ नोट टूल ले लें। ठीक है, आया देखो आएगा, इसको राइट क्लिक करके आप इस पर यहाँ कॉर्नर पर राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट नोट कीजिएगा। अगर डिलीट ऑल करेंगे तो सब डिलीट हो जाएंगे, फिलहाल डिलीट कीजिएगा। यस, ये डिलीट हो गया, और यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन दोबारा जिंदा हो जाता है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर पर, ये लिखा आ गया चेंज द कलर, और कुछ भी लिखना चाहें XYZ तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप क्लियर और ऑल करेंगे तो यहाँ से क्लियर ऑल हो जाएगा, और नोट का कलर चेंज करना चाहें, अपनी अपना मनपसंद का कलर देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैंने क्लियर ऑल कर दिया,
ओके करा और इसको यहाँ से बंद कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है काउंट टूल का। काउंट टूल पर आप क्लिक करते ही करते हैं काउंट काउंट फॉर वर्ड। भाई जान फर्ज करें यहाँ पे 2 लेमन है, ठीक है, 2 लेमन रखे हुए, और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर काउंटिंग करके दिखा सकूँ कि कितने लेमन हैं हमारे पास। तो मैंने क्लिक करा, यहाँ आ गया 1, और इसका साइज छोटा है तो मार्कर का साइज मैंने इसको कर दिया कि मार्कर का साइज 4, और लेवल साइज का मैंने कर दिया 25। तो आप देखते हैं इसका साइज बढ़ जाएगा। और कलर मुझे इसको करना है ब्लैक या रेड, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है फिलहाल। मैंने ब्लू कर दिया, ब्लूश कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ, रेड कर दिया, ओके करा, और उसके बाद एक क्लिक करा है तो 2 लेमन, उसके बाद हमारे पास 2 ही लेमन है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इधर अनार कितने हमारे पास, या हमारे पास स्ट्रॉबेरीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह काउंट यहाँ पे लगते चले जाएंगे। अपनी मर्जी से आप काउंट लगा सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा काउंट टूल, जो आप काउंटिंग करके इसको बता सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है, चाहे तो आप खुद भी लिख लें, वरना इस पर क्लिक करते रहेंगे ऑटोमेटिक ऐड नंबर ऐड करता रहेगा। तो ये थी हमारी पार्ट 9 एडोबी फोटोशॉप की क्लास बिगिनिंग टू एडवांस। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बहुत जल्द नई और क्लासेस आने वाली हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।